चीन के खिलाफ मोदी सरकार की खुद साख्ता सारी अकड़ निकल गई है। मोदी सरकार की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर समेत 10 भारतीय फौजी रिहा कर दिए। सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीनी फौज ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक और 76 को जख्मी कर दिया था। मुसलसल मुज़ाकरात, जग हसाई और भारतीय वजीरों की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने 10 भारतीय फौजी रिहा कर दिए हैं। भारतीय फौजियों की रिहाई का फैसला मेजर जनरल की सतह पर मुज़ाकरात के बाद किया गया। रिहाई पाने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर्स भी शामिल हैं। वादी गलवान में सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले 20 भारतीय फौजी हलाक, 76 जख्मी, जबकि कई हमेशा के लिए माजूर हो गए। भारतीय अखबार ने इंकशाफ किया कि चीनी फौज ने भारतीय फौजियों को खारदार तार से लिपटे डंडों से मारा, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गए और भारतीय फौज में बददिली सी पैदा हो गई है। दोनों मुमालिक में 1996 में होने वाले मुआहदे के मुताबिक बंदूक और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल पर पाबंदी है। जराए का कहना है कि भारतीय वजारत दिफा ने वाकये के बाद चीन से मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मामले पर रूस और अमरीका ने भी भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार पर सख्ता तारी हो गया है।